हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का बच्चों। हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, कुछ क्वेश्चन करेंगे आज। तो बच्चों, भिन्न एवं दशमलव, हम इसमें फ्रैक्शन के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, उसी के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों, ये आपको कुछ होमवर्क दिया गया था, उम्मीद है आप लोगों ने ये किया होगा। तो जिसने भी होमवर्क किया है बच्चों, चैट के माध्यम से अपना आंसर आप शेयर करेंगे। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए इसको, जिसने नहीं किया है, और जिसने किया है वो आंसर शेयर करेंगे। बच्चों जल्दी से हल कीजिए इसको। तो बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। दो बटे एक लिख सकते हैं माइनस 3/5। तो डिनोमिनेटर दोनों के हमें सेम करने हैं। इस केस में हम 2/1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? तो हमें डिनोमिनेटर में दोनों के क्या चाहिए? 5 चाहिए, है ना। तो यहां पे हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर दें और यहां 1/1 से कर दें, तो आपका डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा दोनों में, है ना। तो इसको अगर 1/1 से ना भी करो तो भी तो ये 5 ही है ना बच्चों। तो यहां पे आप 10/5 में से 3/5 माइनस करना है। 5 यहाँ पे डिनोमिनेटर है इनका, तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 7/5। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको हर क्वेश्चन में आपको जो इस तरह से फ्रैक्शन को ऐड या माइनस करना है, हर किसी क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं और आपका क्वेश्चन बहुत इजीली हल हो जाएगा। नोट डाउन करो इसको। तो बाकी के क्वेश्चंस आप देखेंगे, जब आपको खुद ही खुद पता चलता जाएगा। जैसे दूसरा पार्ट देखिए, 4 है, 4/1 इसको लिख सकते हैं, दोनों फ्रैक्शंस में हो गए। तो अब 4/1 है, हमें 1 को 8 बनाना है, है ना। 1 को 8 बनाना है मतलब इसको 8 से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो अब ये कितना आ जाएगा, 4/1 है, जैसे इसको 8/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। 4 × 8, 8 × 4 = 32 बटे 8 प्लस 7/8, डिनोमिनेटर सेम आ गए। अब तो आप इजिली इनको ऐड कर सकते हैं बच्चों। डिनोमिनेटर जब सेम आएंगे तभी आप ऐड कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। तो ये हो गया 32 + 7 = 39/8। अब इसको आप, ये क्या है, विषम भिन्न है, इसको आप मिश्रित भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये भी आपको आता है। 39/8, 8 से इसको भाग कर देंगे, 8 × 32 कितने बच गए, 7। इसको हम लिख सकते हैं 4/7/8, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, ये बताया था मैंने आपको। नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए, नोट डाउन कर लिया सबने। नेक्स्ट पार्ट अब हम करते हैं, 3/8 प्लस 2/7, ये 3/5 होगा बच्चों। 3/5 प्लस 2/7 तो कितना आ जाएगा, दोनों का
अगर हम डिनोमिनेटर सेम करना चाहें तो कितने कितने से मल्टीप्लाई हमें करने पड़ेंगे ये दोनों। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर इनके हमें 35 करने हैं, तो 5 को 7 से और 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 21 35, 5 2 10 और 5 3 35, ये आ गया। अब इस केस में हम क्या करेंगे, इक्कीस बटे 35 प्लस 10 बटे 35 ऐड कर देंगे, 21 प्लस 10 31 बटे 35, ये आंसर आ गया आपका। बच्चों कोई डाउट हो रहा हो तो आप पूछ लीजिए, अभी इसी तरह से सॉल्व करेंगे इनको। कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करेंगे आप। तो बच्चों यहाँ पे ये भी आप हल करेंगे, दो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं, 9/11 - 4/15, और अगला पार्ट है 7/10 + 2/5 + 3/2, सबको ऐड करना है इनको आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। पहले फोर्थ वाले में माइनस करना है और फिफ्थ वाले में सबको ऐड करना है। हमें एलसीएम लेके इनका जो डिनोमिनेटर है हर है वो सेम कर देंगे, है ना। तो 9/11 है और 4/15। अब इसको अगर मैं 15/15 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 11/11 से, तो हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। देखिए 15 × 9 = 135 / 15 × 11 कितना आ जाएगा, 165। फिर 11 × 4 = 44 / 165। बच्चों आप मल्टीप्लाई कर लें, 15 × 11 मैंने कैसे किया है मैं आपको बता दूं, 15 × 10 कितना होता है, 150, और फिर 15 अलग से बच जाएगा, है ना, 15 × 11 के लिए 15 × 1 = 15, तो ये कितना हो जाएगा, 165। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर आएगा। इनको अब हम ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे 135/165 माइनस 44/165। अब 135 में से अगर 44 आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 - 4 = 1 आ गया, और 13 - 4 = 9 आ गया, ये आ गया 91/165 ये आ गया। नोट डाउन कर लो इसको। अगला पार्ट देखिए, 7/10 + 2/5 + 3/2। तो इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं हमें, हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके देखते हैं इसका कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, हमें पता लग जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 5 5 1, फिर 5 से करेंगे सब, 1 1 आ जाएगा, मतलब 2 × 5 एलसीएम हो गया 10। इन सब के डिनोमिनेटर 10 कर देंगे हम, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा बच्चों 7/10, इसका तो ऑलरेडी 10 है,
दो बटे पांच को कितने से गुना करें कि इसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए। तो देखिए अगर दो से हम मल्टीप्लाई करते हैं पांच को तो 10 आ जाएगा। इसी तरह तीन बटे दो को आप पांच से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका भी डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा, है ना। अब 7/10 ये ऑलरेडी है, प्लस 2 × 4 = 5 × 10 प्लस 3 × 5 = 15/10। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर हमने 10 ला दिया है, अब इनको ऐड कर देना है। डिनोमिनेटर 10 है तो लिख देंगे यहाँ 7 + 4 + 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 7 + 4 = 11, 11 + 15 = 26/10, 26/10। अब इसको कैंसल आउट कर देंगे अगर होता है तो ये दो से दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, आ गया 13/5। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, मिश्रित भिन्न में, कितना आ जाएगा 5 × 10 और 3 हासिल। तो ये हम लिख सकते हैं हम 2 × 3/5। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन और हैं। अब ये दोनों पार्ट एक जैसे से हैं, देख पा रहे होंगे, तो इसमें से हम एक सॉल्व करेंगे यहाँ पे और दूसरा आप खुद करेंगे घर पे होमवर्क में। तो चलिए हम सिक्स्थ वाला यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। मिश्रित भिन्न में है 2 × 1/3 प्लस 3 × 1/2, इसको आप चेंज करेंगे विषम भिन्न में, कैसे 2 × 3, 3 × 6 + 1 = 7, 7/3 आ गया प्लस 3 × 6 + 1 = 7 बटे 2 आ गया। यहाँ पे एक छोटा सा हम करेक्शन करने की जरूरत है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 3 × 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8/3। इन दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम करना है तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहां पे आप कर देंगे 8/3 × 2/2 + 7/2 × 3/3, तो 8/8 × 16 हो जाएगा ये, तो 16/6 + 7 = 21, 21/6 एलसीएम सेम आ गया, डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो 16 + 21 इनको ऐड कर देंगे, जोड़ के कितना आ जाएगा 6 + 1 = 7, तो 2 + 1 = 3, 37/6, और इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 37 को 6 से भाग देना होगा, 6 × 6 = 36 और 1 शेष बच गया, तो ये आ जाएगा आपका 6 × 1/6। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित को अवरोही क्रम में लिखिए। अब अवरोही क्रम आपको पता होगा क्या होगा,
तो बच्चों एक पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट पार्ट आप घर पे करेंगे। तो सॉल्व कर देते हैं हम पहला भाग, एलसीएम लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले, और फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। फिर न्यूमरेटर को हम कंपेयर कर लेंगे, आपस में उनकी तुलना कर लेंगे। जो न्यूमरेटर छोटा होगा वही सबसे छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। तो चलिए इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बारी। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे करेक्ट करेंगे। तो 2/9, 2/3 और 8/21, और ये हो जाएगा 3/7 और 7/10। एलसीएम लेंगे 9 का, 3 का और 21 का, कितना आ जाएगा? 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21, फिर से 3 से लेंगे तो 3 1 3 और 7, फिर 7 से करेंगे तो सब 1 आ गया। एलसीएम कितना आया? 3 × 3 × 7, तो ये आ गया 3 3 9, 9 7 63, एलसीएम 63 आ गया। मतलब सभी के डिनोमिनेटर हमको 63 के बराबर बनाने पड़ेंगे। तो किस किस से मल्टीप्लाई करें इनको कि ये 63 के बराबर आ जाएं डिनोमिनेटर? 21 दिया 63 होता है पता है, तो 3 × 21 कितना आ गया? 63 आ जाएगा। और 9 × 7 भी 63 होता है। तो न्यूमरेटर में जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को भी उसी से करेंगे, ये आ जाएगा 7 × 14/63, 21 × 42/63 और 8 3 24/63। अवरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखेंगे, बड़ा लिखेंगे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 42 सबसे बड़ा है, फिर 24, और फिर उससे छोटा आता है 14। ये हो गया। अब बच्चों इसको अगर प्रॉपर आप ऑर्डर में लिख दिया है आपने, लेकिन ये ओरिजिनल नंबर नहीं है, हमें तो इनको लिखना था ना अवरोही क्रम में, तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखेंगे। 42/63 किसकी जगह आया है? 2/3 की जगह। फिर 24/63 आया है 8/21 की जगह पे, और फिर 14/63 आया 2/9 की जगह पे। तो ये हो जाएंगे बच्चों नंबर, नोट डाउन कर लो, और जो ये नेक्स्ट पार्ट है ये आपका होमवर्क रहेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं फ्रैक्शन से रिलेटेड, उम्मीद है अच्छे से आपने उनको नोट डाउन किया है, समझा है। होमवर्क जरूर करके लाएं जो आपको आज होमवर्क दिए गए हैं, और प्रैक्टिस करते रहें। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।